दोस्तों आज ये हीटर है जो कि वर्क नहीं कर रहा, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये प्लग यहाँ लगा दिया, दोनों स्विच ऑन है, तो आज हम इसको रिपेयर करना सीखेंगे। इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि इसके अंदर होता कुछ भी नहीं है, नॉर्मली वायरिंग होती है और ये कुछ स्विच लगे हैं जिसका स्विच पहले से ही काम नहीं कर रहा था और ये स्विच इसके जो है ना जल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, प्लग दोबारा लगाएंगे और बहुत ज्यादा केयरफुली इसको टच करेंगे, देखेंगे कोई ना कोई रॉड जल जाएगी, जल चुकी होगी, देखना ये रॉड जल चुकी है, यानी कि ये इस तरीके से इनको टच करके आप देख सकते हैं। लेकिन टच करते समय ध्यान देना कि आपका जो हाथ है वो उसमें टच ना हो, इसको दूर से पकड़ना है और इससे ये कंफर्म हो गया कि ये स्विच हमारे जो है वो खराब है। तो ये जो स्विच है वो काफी हमने ट्राई किया लेकिन वो स्विच मिल नहीं रहते, तो हमने क्या किया इनको आपस में टच कर दिया और ये वाले भी स्विच हैं आपस में हमने इनको टच कर दिया। और टच करने के बाद हम देखना चाहेंगे ऑन हो गया है या नहीं, इसको सीधा कर लेते हैं। देख सकते हैं दोनों रॉडें हमारी ऑन हो चुकी हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम थी कि इसके स्विच जो है वो खराब थे, जाम भी थे। तो ये स्विच अगर बाय चांस ना मिले तो आप हीटर को कैसे चला सकते हैं, उसके लिए हमने आपको एक तरीका बताया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें।